देख सकते हो भाई शहद कितना सारा निकला है। तो भाई आए हैं, ये गांव है भाई केली, केली गांव है भाई, ये खरगोन जिले में पड़ता है, नांगलवाड़ी के पास में। यहाँ का भाई मेरा ससुराल है, तो भाई ससुराल में आए हैं, और अपना संजू भाई भी साथ में आया है, ये मेरा साले का लड़का है। मेरे फूफा जी को 5K जल्दी से जल्दी करवा दो। तो भाई सुन लो भाई की बात, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और 5K करवा दो भाई। और व्यू देखो भाई बाहर का, बस पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चल रही मस्त वाली। तो हम आए हैं भाई वहां से, देख सकते हो वो वहां से आए हम ऐसे, बस इस पहाड़ पे चढ़े, बस ऐसे आए हैं। और देख सकते हो भाई बाहर का पूरा नजारा, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा है भाई नजारा यहाँ का। तो चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई और मेरा छोटा साला भी आया है, तो उनको भी मिलते हैं आगे। और मेरे ससुर जी भी आए हैं, वो भाई यहाँ पे अभी गाय भैंस चरा रहे, ढोर चरा रहे, तो उन्हीं को हम रोटी देने के लिए आए थे यहाँ। तो भाई लोकेशन अच्छी दिखी तो आप लोगों को भी शेयर कर दे, आप लोगों को भी बता दे करके। तो चलो चलते हैं उनके पास में। तो देख सकते हैं भाई कितना घना जंगल है यहाँ पे, और हमारे संजू भाई आगे आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं भाई कितना घना जंगल है, बस यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो जाएंगे भाई आगे, नदी है वहाँ पे, पानी वानी पी के भाई बहुत ही ज्यादा प्यास लगी भाई। तो भाई थक गया हूँ, पसीना पसीना आ गया है। तो संजू भाई तो नीचे नदी पे पहुंच चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है वो, और भाई काफी प्यास लग रही है यार। तो चलो उतरते भाई। तो भाई आ गए झरने के पास में भाई, हाथ मुंह धोते पानी वानी पीते भाई, छोटा सा झरना है ये, देख सकते हो भाई हम। ऐसे तो जंगल में भाई कई जंगल में निकल के गए गाड़ी लेकर के, लेकिन ऐसे पैदल घूमने नहीं आए। वैसे हमारा गांव है भाई लोग, तो भाई मस्त लगा गांव इनका भाई। मैं ससुराल में कई बार आया हूँ, लेकिन इस जंगल में घूमने के लिए नहीं आया कभी, बस कम से कम 8-9 साल शादी के हो चुके हैं, लेकिन इधर नहीं आया जंगल में मैं घूमने। तो चलो भाई चलते हैं आगे, और पानी पीने के लिए थोड़ा सा आगे छोटा सा कुआ बना है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, झीरी बनी है, झीरी झीरी ये रे भाई देख सकते हो। तो यहाँ पे पियेंगे पानी, और ऐसा तो ये पानी भी पीने लायक है नदी का, तो पीते भाई पानी। पेट भर के पानी पी लो, वापस पहाड़ के ऊपर आगे जाना है, और वहाँ पानी मिले ना मिले, मिलेगा कि नहीं? नहीं अभी नहीं मिलेगा भाई, आगे नहीं मिलेगा बोल रहा है, एक बार और पी लेता हूँ। अब चलते हैं, घर से बाटल लाना था हम, पर बाटल लेके आए नहीं, तो चलो चलते हैं। तो भाई चलते हैं आगे, और आगे का नजारा बताता हूँ आपको। तो चलो भाई, भाई घूमने में तो बड़ा आनंद आ रहा, बड़ी मजा आ रही, पर भाई पसीने निकल गए क्यों संजू भाई? बिल्कुल पसीने आ गए, पसीना छूट गया, क्योंकि भाई हवा कम चल रही ना इसीलिए, और धूप भी काफी पड़ रही है इसीलिए भाई। तो कहीं बैठते हैं छांव में, झाड़ के नीचे बैठेंगे कहीं पे। तो चलो चलते हैं भाई आगे, और भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई कि मेरे ससुराल का जंगल कैसा लगा आप लोगों को, केली गांव खरगोन जिला। तो भाई जो जो भाई मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहता है। और Instagram पर भी जाकर के फॉलो कर दो, ID नाम भाई सेम है YouTube का भी और Instagram का भी, विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। तो भाई काफ़ी ढूंढते ढूंढते भाई अपने साले साहब को और अपने साड़ू भाई
जो हमारे आगे आए थे इनको ढूंढते ढूंढते भाई परेशान हो गए हम, और भाई आखिरी में मिल ही गए हमको ये, और मेरे ससुर जी भी मिल गए। ये आए हैं ढोर चराने के लिए, भाई खाना लेके आए थे ये इनके लिए। तो ये रहे मेरे ससुर जी, और इधर है ये दिनेश भाई हमारा, साले साहब छोटे वाले, और अपने साड़ू भाई। तो भाई क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी आ गए थे? हाँ यार, और फोन भी नहीं लगता, कवरेज ही नहीं मिलता यहाँ। तो भाई टावर भी नहीं मिलता यहाँ पे, फोन भी लगाया था हमने। तो चल रहे इनके ढोर आगे, देख सकते हो ये रे, ये इधर वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको बेल, और बाकी इधर झाड़ियों में है। तो भाई बैठे हैं अभी, काफी थक गए यार, और खा रहे अपने ससुर जी भी खाना, भाई टाइम हो गया उनको भी, क्योंकि भाई ढूंढना पड़ता है यहाँ पे उनको आके, क्योंकि भाई उनके पास ना मोबाइल है ना कुछ है, तो भाई आवाज़ मार के ढूंढना पड़ता। मेरे छोटे साले साहब आए हैं, वो आवाज़ मारे और पापा पापा करके आवाज़ मारा होगा उन्होंने, उसके बाद में वो मिले। तो भाई काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे, तो भाई मिलते भी नहीं, तो उनके लिए रोटी लेके आना पड़ता। कम से कम आए होंगे भाई हम 4-5 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पे, और भाई जंगल काफ़ी है, देख सकते हो आप खुद ही। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही भाई, पसीना पसीना हो गया, देख सकते हो। तो जाएंगे नीचे नदी में उतरेंगे, तो फिर हाथ मुँह वापस धोएंगे, और प्यास फिर वापस लगेगी भाई, क्योंकि भाई काफी पहाड़ चढ़ना फिर उतरना फिर चढ़ना फिर उतरना। तो भाई अभी तो बैठे हैं छाँव में, देख सकते हो हरी भरी हरियाली है, और इस सागवान के पेड़ के नीचे बैठे है भाई। और तो भाई एक बेल घूम गया था, तो भाई काफी ढूंढ रहे थे मेरे ससुर जी, और अभी गए हैं छोटे साले जी मेरे ढूंढने के लिए, और हम भी जाते हैं भाई, और हो गया इनका खाना वाना। तो ये रे बाटल और खाना, और ये रे मेरे ससुर जी। तो भाई हम तो यहाँ आने में काफी थक गए हैं, इनका तो रोज का काम है भाई, थकते कि नहीं मैं पूछता हूँ इनको। नाना तुम थको कि नहीं थको? थको दहाड़ी तुम्हारा आना जाना सुंदर है, सुना रहे साको तो पशु कोई मिल छोड़े तो दुई गाड़ बड़ी छोड़ी जो ये कौन ने दुई का दिसरो सुंदर बीच तो लो दुई का छोड़ी ने आई पशु रे जेले चलते एने हई बेल रात भी जड़ी ने नहीं रात का रात आंख लेड़ी आती में कोई को जाती भरे। तो भाई ये बेल रात को भी घूम गया था, तो रात को भी घर पे आया नहीं, तो रात में भी काफी ढूंढे ये, फिर सुबह मिल गया था वापस, क्योंकि भाई सभी बेल होन और सभी ढोरन आए तो उनके साथ में आ गया था। तो अभी भी भाई घूम गया था, तो अभी भी काफी ढूंढ रहे थे, तो अभी मिला है वो, उसको लेने जा रहे हैं। अब तो भाई उसको लेके डायरेक्ट घर ही जाएंगे, तो करते पापा जी को बाय बाय, और भाई हम चलते हैं, ये आएंगे शाम को सारे ढोर लेके, तो चलते हैं भाई। तो भाई ये रही झीरी, और पियेंगे भाई पानी, भरेंगे यहाँ से, क्योंकि भाई साफ पानी आ रहा है यहाँ आगे से। तो अपने भाई भर रहे है पानी, और यहाँ तो भाई थोड़ा सही नहीं है, पर यहाँ अच्छा है पानी, पहाड़ के अंदर से आ रहा भाई पानी ये। तो वैसे तो ये वाला पानी पीने लायक ही है, क्योंकि भाई तो भाई उतर चुके हैं पहाड़, वो पीछे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इस पहाड़ के ऊपर गए थे भाई, इस पहाड़ को भी कूद के आगे गए थे, फिर और वहां से दूसरा पहाड़ चढ़ रहे थे। तो भाई यहाँ अच्छा लग रहा है, हवा मवा अच्छी ठंडी चल रही थी भाई, वहां तो झाड़ और पेड़ थे, वहां तो हवा भी कुछ चल नहीं रही थी भाई, परेशान हो गए थे। अभी मेरा शर्ट पूरा गीला हो गया है, और कार्तिक भाई भी अपने साड़ू भाई है साथ में। तो कार्तिक भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पैर दुख रहे हैं कि नहीं? पैर दुख रहा, और ये चढ़ना उतरना ऐसे कर कर के थक गया, तो भाई यहाँ तक आ गया, घर जाने के मुश्किल में ऐसा था। तो भाई काफी थक गए हैं, पैर दुख रहे हैं, बस यहाँ पे बैठे हैं, ये छोटा सा एक तालाब है। तो भाई पिया हमने पानी वानी, आगे से भर कर आए थे बाटल में, जो हमारे ससुर जी के लिए खाना लेकर के गए थे हम, तो उनको खाना वाना खिलाया, और बाटल और बाकी टिफिन वापस लेकर के आ गए, और वो जंगल में रुक गए। वो अभी सारे ढोर उनको बेल गाय जो भी है उनकी सारी चराएंगे, फिर शाम को लेके आएंगे वो। तो भाई हम तो थक गए थे, इसलिए हम आ गए यहाँ पे, और देख सकते भाई यहाँ का नजारा, इधर तालाब छोटा सा पानी भरा हुआ है, और भाई उस पहाड़ पे चढ़े हम, वहां से वो वाला पहाड़ दिख रहा मेरी उंगली के आगे, बस वहां गए थे हम, उससे भी आगे गए थे भाई। तो
इस साइड से घूम कर ऐसे नीचे 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 से उस साइड से आए भाई हम, तभी काफी थक गए हैं, तो जाते भाई। तो भाई काफी थक गए, अब जाते भाई घर पे। तो अभी आराम करेंगे, फर्स्ट क्लास जाके चाय वाय पियेंगे। तो काफी थक गए, घर से भी फोन आया था, क्या हुआ? बोले आप घूमने गए हुए हो तो उधर क्यों रह गए? क्योंकि भाई मेरा जो छोटा साला है और अपना मेरे एक बड़े साले का लड़का था संजू भाई, वो चले गया बेल को लेके आगे आगे। तो भाई आ गए थे घर पे, और भाई यही वाला बेल है जो सबसे ज्यादा दौड़ाया, कल रास्ते नहीं आया था। ये देख सकते हो, ये अपना दिनेश भाई, दिनेश भाई को काफी दौड़ाया। क्यों दिनेश भाई? कल रास्ते नहीं आया ना ये? एक रात वो जंगल में रह गया था, वो एक रात हो गया जंगल में, और फिर अभी आया, आया। सुबह मिला मतलब सुबह, और फिर वापस सुबह दौड़ाया आपको दौड़ाया। तो भाई हम पीछे पीछे आ रहे थे, और ये दिनेश भाई को दौड़ाते दौड़ाते आगे लाया बेल, और ये फिर घर पहुंच गए। तो भाई अभी भी आज भी मिलता नहीं है, आज भी चले गया था भाई, जंगल में निकल गया था, गुम हो गया था। तो आज लेके इसको जैसे तैसे करके लेके आए। परेशान है यार, बहुत परेशान है, बहुत दौड़ाया ये बेल। दिनेश भाई काफी परेशान है, बहुत परेशान। साथ में जीजाजी भी परेशान है भाई। तो हम आराम से आए थे, हम तो आपने देखा होगा, हम तो आराम से आए थे, ये आगे आ गए थे। हम सोच रहे थे कि साथ साथ में आएंगे, लेकिन ये आगे बेल बहुत भागा दौड़ते हुए आया, तो इसलिए ये पहले आ गए थे। तो हम तो भाई आराम से आए काफी। तो भाई ये रहे घर, मकान देख सकते हो, बच्चे लोग खेल रहे हैं, और अभी हम जा रहे दिनेश भाई ने हम केली जाएंगे भाई। तो चल दिनेश भाई केली जान, भाई जान। आएंगे केली से घूम के अभी। तो भाई रास्ता देख सकते हो, बस छोटा सा ये क्या बोलते हैं, छोटी सी नदी बोल सकते हो, नदी तो नहीं बोल सकते यार, नहीं नाला है ये बस, उधर जंगल का सारा पानी जो आता है भाई यहीं से निकल के जाता है, तो यहीं से रोड है इनका। तो इन दिनों में भाई ऐसे ही जाना पड़ता है यहाँ से पानी में से। भाई ऐसा नजारा शहर सिटी में नहीं मिलेगा, ऐसा नजारा आपको सिर्फ गांव में मिलेगा भाई। शांति ही शांति, गांव में कोई टेंशन नहीं, ना शोर ना शराबा भाई, क्योंकि सिटी में भाई, शहर में तो काफी शोर शराबा भी होता है वाहन गाड़ियों का, तो भाई यहाँ तो शांति ही शांति है। तो भाई आ गए है केली, ये है भाई नांगलवाड़ी से थोड़ा सा आगे, और खरगोन जिले वाला केली है भाई ये। एक तो बड़वानी जिले में भी है, लेकिन वो नहीं, ये खरगोन जिले वाला केली है भाई। तो ऐसा मार्केट है भाई, छोटा सा गांव, छोटा सा शहर है भाई ये। तो हो गया भाई हमारा काम भी, अब निकलेंगे। तो भाई हो गया हमारा काम, जो भी सामान लेना था भाई सारा ले लिया, अब बस निकलेंगे बस घर के लिए। तो चलो निकलते घर भाई, अभी शाम भी हो गई है, रात होने वाली है, तो भगते हैं भाई घर, यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है हमें। तो भाई आ गए हैं केली से, बस अभी घर पे पहुंचे हैं, और भाई देख सकते हो क्या लाए, शहद। तो हमारा संजू भाई लाया है शहद उधर जंगल से, तो देख सकते हो भाई शहद कितना सारा निकला है। और इधर बड़े भैया है जो मेरे बड़े साले साहब, देख सकते हो भाई कितना सारा निकला। भैया कहाँ से लाए? अपने इधर खेत में से। तो भाई लाए खेत में से, और देखो बच्चे भी काफी सारे आ गए सेहत खाने के लिए। ये बच्चे भी खाएगा, ये बहुत खुश हो रहा है, सब खुश हो गए भाई। तो भाई चक्के देखते हैं सेहत कैसा लगता है भाई, बहुत मीठा है, मजा आ गया। तो भाई खाते हैं पहले सेहत, इसका टेस्ट लेते हैं, मजा लेते हैं, और बच्चे को भी खिलाते हैं सारे। तो ठीक है, मिलते थोड़ी देर बाद आपको। तो फाइनली गाइस हो चुका अपना शहद वेस्ट टेस्ट करना खाना, और हो गया भाई। और भाई आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? काफी आप शहर के और रास्ते के ब्लॉग देख चुके होंगे भाई, तो अभी गांव का ब्लॉग भी आप लोगों को बताया मेरे ससुराल का, केली का, और जंगल का व्यू कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। और जो जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पर भी जाकर के फॉलो कर दो, आईडी नाम भाई सेम है, विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। और करते भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मजे में रहिए।